बसमिल्ल रन रही अल्लाम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं एहसान अली फूड्स अल्लाह बरकत दे आपके खानों में आपके रिज्क में आपके जायकों में तो मेरे प्यारे, प्यारे प्यारे दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर हूँ अरवी की रेसिपी ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत लजीज़ होती है ये तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यह आपकी मोहब्बत है आपका प्यार है सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें और ये आपका एक अपना पन होता है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और यहाँ पर पा हमारे पास आधा किलो अरबी ली है मैंने और इसको तकरीबन आधा घंटा पहले नमक लगा के रखा था अब हमने इसको धो लिया और है और टमाटर है अदरक लहसुन का पेस्ट है हरा धनिया है और लेमन है और हरी मिर्चें और प्याज़ है तो अब हम अरबी को फ्राई करते हैं तो सबसे पहले हम अपने फ्राई पान में ऑयल डालेंगे आधा कप और इसको गर्म करेंगे तो देखें गर्म हो चुका है अब हम इसमें अरबी को ऐड करते हैं और इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका गोल्डन सा कलर आ जाए इस पर और एक अहम बात आपको बताते जाऊँ कि इसको हमने इसलिए फ्राई किया कुछ लोग इसको फ्राई नहीं करते वो लेसदार बनती है ये लेसदार नहीं बनेगी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत अच्छा जायका आएगा तो देखें माशाल्लाह से इसका गोल्डन कलर आ चुका है अब हमारी अरबी रेडी है तो हम अपनी दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल को डालेंगे और इसका वो मसाला तैयार कर लेंगे ऑयल को गर्म करेंगे अब हम इसमें प्याज़ ऐड करेंगे प्याज मैंने दो बड़े साइज़ के लिए हैं इनको ब्रीक ब्रिक काट लिया है मिक्स करेंगे इसको और इसको हम फ्राई करेंगे इसका लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए इसमें तो देखें इसका लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है प्याज का अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट है ये दो चम्मच हमने इसमें ऐड करने हैं और इसको भी इसमें मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे इतनी देर के इसका जो कच्चा पान है वो ख़त्म हो जाए तकरीबन तो दो से तीन मिनट लगेंगे इसको और आप इन चीज़ों पे टाइम दिया करें ये बहुत ज़रूरी होता है तो देखें तीन मिनट हो चुके हैं और मसाला हमारा रेडी है अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे टमाटर मैंने एक लिया है और इसको ब्रिक ब्रीक काट लिया है और इसको अब हम मिक्स करेंगे इसमें और इसको भी हमने दो से तीन मिनट पकाना है ताकि इसमें जो मेल्ट हो जाए अच्छे से ये और इसका ज़ायका इसमें आ जाए और अगर ये नीचे लगना लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है ताकि हमने इसको अच्छे से बोना ये देखें ये नीचे लगने लगा था हमने इसमें पानी आधा कप ऐड कर दिया है और इसको अभी हम पकाना है ताकि ये अच्छे से मिल्ट हो जाए इसमें तो दोस्तों चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ये आपकी मोहब्बत होती है आपका अपनापन होता है और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और एक चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें डालेंगे नमक ये आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं आपकी अपनी मर्जी है आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी का और इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन तीन से चार मिनट हमने इसको फ़्राई करना है तो देखें माशाल्लाह से तीन से चार मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें ऐड करेंगे अरबी को अरबी को हमने पहले फ़्राई कर लिया था अब हम इसमें ऐड कर देंगे तो बसमीम इसको हम ऐसे निकाल लेंगे अच्छे से और इसको भी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसको अभी हमने भूनना है तकरीबन तीन से चार मिनट इसको भूनना है दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर किया करें और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लिया करें मैं आपको हर सवाल का जवाब दूँगा तो देखें माशाल्लाह तीन से चार मिनट हो चुके हैं अरबी को हमने अच्छे से इसमें फ़्राई कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे साबत ज़ीरा साबुत ज़ीरा हमने आधा चम्मच डालना है इसकी खुशबू और जायका में चार चाद लग जाएंगे इससे ये बहुत अच्छा है। इसका फ्लेवर होता है बहुत अच्छा टेस्ट होता है अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सूखा धनिया का पाउडर इसको हमने इसमें अभी फ्राई कर लेंगे मिक्स करेंगे इसको और इसको भी हम तकरीबन दो से तीन मिनट इसको फ़्राई करेंगे ताकि इसमें अच्छे से इसका फ़्लेवर आ जाए तो देखें दो से तीन मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे एक बॉल इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हमने दम पे लगाना है अभी पाँच मिनट इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको दम देंगे पाँच मिनट के लिए तो देखें माशाल्लाह से पाँच मिनट हो चुके हैं और अरबी हमारी रेडी है अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया ये बहुत ज़रूरी होता है इससे खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है इसलिए हमने इसके ऊपर धनिया डाला है तो इसमें अभी एक चीज़ और डालेंगे लेमन लेमन बहुत ज़रूरी है इसमें हमने एक लेमन डालना है और हमने ये ग्रेवी इसमें इसलिए रखी है कि ये ना शोरवे वाली थोड़ी सी अच्छी लगती है इसलिए एक वो सूखी बनाते हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती ये बहुत अच्छी होती है और इसकी ग्रेवी बहुत मज़ेदार होती है तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इसमें और तकरीबन एक मिनट हमने इसको और पकाना है तो ये अरबी हमारी डन है अभी लुक को आपने मिस नहीं करना है माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान उसकी रहमतें उसकी नेमतें और उसकी बरकतें और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ये आपकी मोहब्बत है आपका प्यार है ये आपका एक अपनापन होता है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसी के साथ अली को दे इजाज़त दवाओं में याद रखिएगा ढेर सारा प्यार अल्लाह हाँ।